साफ सुथरा किचन पहली नजर में देखने में तो ऐसा ही लग रहा होगा, लेकिन जरा एक नजर इधर भी डालिए, सोच में पड़ गए ना कि ये शौचालय है या रसोई। लेकिन इस झोपड़ी को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर ऐसा क्यों किया गया होगा। मामला है उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले का, जहां अकनपुर गांव में रहने वाले राम प्रकाश के परिवार ने शौचालय को ही रसोई बना लिया। जैसे स्थिति में हम सर हमारी मजबूरी समस्या है, इसलिए हमारे पास घर नहीं तो सर बनवा लिया है, उसमें किचन बन गया है। हमारे घर नहीं है तो हमें खाना बनाए थे सीधा धरे थे, ओका हमका कोई शौक नहीं, मैं हमका खुद ही नहीं खराब लागत है कि लेटरिन गही में हम खाना बनाए थे, तो बहुत खराब बात है, मगर मजबूरी समझ कर हम सीधा धरे थे खाना बनाए थे। यूं तो जिले में मुख्यमंत्री आवास योजना लागू है, लेकिन इस परिवार को इसका लाभ नहीं मिल पाया, और जब 2018-19 में स्वच्छ भारत अभियान के तहत शौचालय मिला तो उसी को इन्होंने रसोई बना लिया। वैसे तो ये गांव भी ODF घोषित है, यानी खुले में शौच मुक्त है, लेकिन योजना में भ्रष्टाचार के चलते लोग आज भी खुले में शौच जाने को मजबूर है। जी पलीता तो लग रहा है, लेकिन कुछ लोग नहीं करना चाह रहे हैं, कुछ हमारे प्रधान जो हैं वो भी नहीं करवाना चाह रहे हैं। क्या अभी बहुत से शौचालय अधूरे पड़े हैं? जी अधूरे पड़े हैं बहुत भी। अच्छा जी, वो जो प्रधान नहीं बनवा रहे हैं खुद। अच्छा हाँ, इन्होंने ठेका लिया था कि हम बनवा देंगे, लेकिन ये बनवा नहीं रहे हैं खुद। ODF गाँव के लोग खुले में शौच जा रहे हैं, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी इस मामले से अनजान है। हालांकि अब अधिकारी राम प्रकाश के परिवार की मदद करने की बात कह रहे हैं। अगर वो पात्र है तो उसे हर परिस्थिति में आवास दिया जाएगा। हमारे पास कोई आवेदन नहीं आया है उनका, अगर आप लोग डिटेल्स देंगे तो हम लोग स्वतः उसका संज्ञान लेके उसकी जांच करवा के अगर पात्रता होगी तो उसे बिल्कुल आवास दिया जाएगा। पक्की छत ना होने की मजबूरी में शौचालय को रसोई बनाने और ODF गांव में भी आधे से ज्यादा शौचालय ना बनने की ये कहानी तमाम सरकारी योजनाओं के जमीनी स्तर पर लागू होने की व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर रही है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से सरफराज वारसी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस।